नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। वर्ष 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से काशी की मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाज़नीन अंसारी के नेतृत्व में मोदी को राखी बनाकर भेज रही। अब ये परंपरा में शामिल हो गया। मुस्लिम महिलाओं ने गीतों के साथ मोदी, ट्रंप और इंद्रेश राखी बनाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने कैथल से ऑनलाइन मोदी राखी का उद्घाटन किया। नाज़नीन अंसारी, नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन। आज किस तरह की राखी आप लोगों ने बनाया, किसको भेजेंगे? आज हम लोगों ने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए राखी बनाई, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए राखी बनाई, भगवान श्री राम के नाम की राखी बनाई और अपने गुरु आदरणीय इंद्रेश जी के लिए राखी बनाई। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सन 2013 से लगातार राखी भेजते आ रहे हैं और उस समय हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को राखी भेज करके और पत्र लिख करके बनारस से चुनाव लड़ने का निमंत्रण भेजा था। तब से लेकर के अब तक हम उन्हें लगातार राखियां भेजते आ रहे हैं। उन्होंने एक पिता की तरह, एक अभिभावक की तरह, एक बड़े भाई की तरह मुस्लिम महिलाओं के सर पर हाथ रखा और उनके लिए एक जो दंश चला आ रहा था, एक लंबे समय से कुरीति चली आ रही थी, उस कुरीति का खात्मा किया, तीन तलाक का खात्मा किया, उसके लिए कड़ा कानून बनाया, उस कुरीति का अंत करके बहनों को एक संरक्षण प्रदान किया। इन राखियों को बनाने का मकसद चीन की बाजार से भी मुकाबला करना है। इन महिलाओं का कहना है कि चीनी राखियों का विकल्प होगी ये राखियाँ। चीनी सामानों का, चीनी राखी का विरोध कर रहे हैं और इस जो हमारे देश में रक्षाबंधन के नाम पर, राखी के नाम पर चीन अरबों रुपए का व्यापार करता था, अपना बाजार मजबूत करता था, उसके बाजार को, उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए हम लोग स्वदेशी राखी बना रहे हैं। इस स्वदेशी राखियों के माध्यम से हम चीनी सामानों का बहिष्कार करते हैं और मोदी राखी, श्रीराम राखी, इंद्रेश राखी, इन सारे राखियों का सरोकार करते हैं ताकि हमारे देश से चीनी सामानों का बहिष्कार हो सके। चीन हमारे देश के सैनिकों के खून से सनी हुई राखियां हमारे भाइयों के कलाइयों पर न सजे, इसलिए हम लोग ये सारी राखियां बना रहे हैं। राखी का त्यौहार वैसे तो भाई बहन के स्नेह का प्रतीक है, लेकिन रक्षा सूत्र का संबंध बहनों के साथ साथ देश की रक्षा से भी। मुस्लिम महिलाओं ने मोदी के साथ साथ चीन के मसले पर भारत का खुलकर साथ देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सामाजिक नेता इंद्रेश कुमार के नाम की राखी भी बनाई और भारतीय डाक से उनको भेजा। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।